वीडियो को पूरा देखना। आज इस क्रिप्टो वीडियो में हम बात करेंगे टामाडॉज को लेके। तो करेंटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो टामाडॉज के फॉलोअर्स दिखा रहे हैं ट्विटर में, यह है 72.4K। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में आपको इसका फॉलोअर्स 80K से आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो टामाडॉज का ये वेबसाइट है qda.io/tamadogecoin। तो एक बार हम इसकी वेबसाइट पर चलते हैं और विजिट करके देखते हैं कि क्या है इसकी वेबसाइट में स्पेशल। तो टामाडॉज का वेबसाइट है। आप टामाडॉज को कैसे बाय करना चाहते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहो तो टामाडॉज को OKX से बाय कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप टामाडॉज को कार्ड से भी बाय कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टामाडॉज रेयर NFT। अगर आपको इसका NFT देखना है तो OpenSea में जाके आप NFT दे सकते हो। वैसे अगर आपको नहीं पता OpenSea क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, OpenSea एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप NFT क्रिएट करके NFT को सेल कर सकते हो। और यहाँ पर गैस फी भी बहुत कम है। और एक है टामाडॉज कॉमन NFT। आप सारे के सारे NFT यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको इनका वेबसाइट विजिट करना है, तो इनके वेबसाइट में अगर आपको मान लीजिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे आप आके इनका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहीं नहीं, आप इनका डिस्कॉर्ड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और आप इनका रेडिट भी ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट करके बताओ कि आप रेडिट यूज़ करते हो कि नहीं। अगर आपको इनका ऑडिट देखना है, प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन, तो आप इनका ऑडिट भी चेक कर सकते हो। हम क्लिक करेंगे वाइट पेपर में, और हम इनका वाइट पेपर चेक करेंगे। तो वाइट पेपर से भी हमें टामाडॉज के बारे में थोड़ा बहुत मतलब मालूम पड़ जाएगा कैसा ये क्रिप्टो है। एंड हम ड्राइव PDF व्यूअर में चले जाएंगे, यहाँ से हम चेक करेंगे इनके ऑडिट के बारे में। तो आप चाहो तो इनका वाइट पेपर भी देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने रोड मैप लिख रखा है कि किस प्रकार काम करने वाला है, तो ये आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। एंड इनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम यूट्यूब का ऑफिशियल अकाउंट है इनके। आप चाहो तो इनको सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो। देखिए, ये सब एक प्रूफ बताता है कि हाँ, ये क्रिप्टो रियल है, और इसमें इन्वेस्ट करना मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, कोई भी क्रिप्टो इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट से जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं FTT और टेरा लूना का हाल। वहीं पे देखिए, टामाडॉज ने ट्वीट किया था अभी, ठीक है, कुछ टाइम पहले, Day 9 टामाडॉज आर्मी, वी आर रनिंग अ ट्विटर रेड ऑन डिस्कॉर्ड, वेन्यू टामाडॉज डिस्कॉर्ड, टाइम 3 PM UTC, प्राइस कितना मिलने वाला है, $50 क्रिप्टो कार्ड वाउचर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ट्विटर में आके ये जो लिंक है discord.com/invite/, आप इसमें आके ज्वाइन हो सकते हो। तो ये एक ट्वीट था। बाकी टामाडॉज ने एक और ट्वीट किया था, हैप्पी फ्राइडे टामाडॉज आर्मी, वेयर डिड योर लास्ट ट्रैवल टू। तो आप चाहते हो कमेंट करके इनको बता सकते हो। ऐसे कुछ फन ट्वीट भी टामाडॉज करते रहता है। फिर टामाडॉज ने एक रीट्वीट किया था, अच्छा, कॉइन कोटेक्स ने पूछा था कि विच ऑफ दिस मीम कॉइन कुड बी द नेक्स्ट शिबा इनू कॉइन। अभी तीन नाम था, टामाडॉज कॉइन, रिच क्वैक, बेबी डॉज कॉइन। तो आप देख सकते हो काफ़ी लोगों ने ट्वीट करके बताया टामाडॉज को लेकर कि टामाडॉज जो है अगला शिबा इनू कॉइन हो सकता है। हालांकि रिच कॉइन और बेबी डॉज कॉइन बढ़िया कॉइन है, आप चाहते हो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और 21 आवर को टामाडॉज ने एक ट्वीट किया था कि हे टामाडॉज आर्मी, जस्ट टू लेट यू नो, आवर न्यू एडिशन ऑफ डॉज डायरीज विल बी आउट टुमारो 9th of December। तो एक ट्वीट था। तो इसी प्रकार टामाडॉज का आपको काफ़ी सारे ट्वीट देखने को मिल जाते हैं। 22 आवर को भी इसमें ने ट्वीट किया था कि हु इज योर फेवरेट नंबर 10 एट फीफा वर्ल्ड कप। तो आपको बताना है कि नंबर 10 का फेवरेट कौन सा है फीफा वर्ल्ड कप में, तो आप कमेंट करके बता सकते हो उनको। ऐसे ही तरह के बहुत सारे ट्वीट हैं यहाँ पे। लेकिन आज जो मेन बात करने वाले हैं कि टामाडॉज जो है, इनका प्राइस प्रेडिक्शन क्या रख सकता है आने वाले समय में, हम ये तो बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप देख लो, टामाडॉज का अगर आपने अभी तक न्यूज़ पेपर ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा सब्सक्राइब करने के लिए, आप सब्सक्राइब कर लेना और ये फ्री रहता है। एंड यहाँ से आप टामाडॉज का न्यूज़ पेपर पढ़ सकते हो स्टार्ट रीडिंग में क्लिक करके। वहीं पर आप ये देखिए कि अगर आपको टामाडॉज बाय करना है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जहाँ से आप टामाडॉज बाय कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको टामाडॉज बाय करना है, आप इसे यूनिस्वैप, V2, OKX, Gate.io से बाय कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म चूज़ करोगे बाय करने के लिए, तो एक बार कॉइन मार्केट कैप में आ जाना और चेक कर लेना कि लिक्विडिटी किस में ज़्यादा है और कॉन्फिडेंस किस में हाई है। तो उस हिसाब से अगर आप बाय करोगे ना, तो 99% ट्रांजेक्शन का जो एरर का प्रॉब्लम होता है ना, वो सॉल्व हो जाता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, चेक नहीं करते और लो लिक्विडिटी वाले प्लेटफॉर्म को चूज़ कर लेते हैं। हमेशा वो प्लेटफॉर्म चूज़ करना जहाँ पर लिक्विडिटी भी बढ़िया हो और कॉन्फिडेंस भी हाई हो। इससे क्या होगा ना, आपको क्रिप्टो बाय करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अभी अगर हम इसके मार्केट रैंक की बात करें, तो टामाडॉज का अभी जो मार्केट रैंक चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में, वो चल रहा है 2676। लेकिन देखो, जिस प्रकार से टामाडॉज माने क्रिप्टो मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपको इसका मार्केट रैंक 2676 से 2673 में या फिर 2670 में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टामाडॉज बाय कर सकते हो। अगर आप मेरा सजेशन लोगे कि अगर आज आप क्रिप्टो ट्रेडिंग माने अगर आज आप क्रिप्टो बाय करते हो टामाडॉज, तो आपको किससे बाय करना चाहिए, तो पहला क्रिप्टो जो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, पहला क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ आज के समय में, वो है यूनिस्वैप V2। फिलहाल टामाडॉज भी बाइनेंस पे लिस्ट नहीं है। अब आप खुद ही सोचो, जब भी बाइनेंस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में लिस्ट होगा, तो इसकी
इसके क्या बोलते हैं, मतलब हमें एक टामा डॉच में अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है। ऐसे वैसे कुछ न्यूज़ भी है कुछ क्रिप्टो एक्सपर्ट के मुताबिक, कि आने वाले समय में ऐसा हाईली चांस है कि टामा डॉच जो है कुछ बड़े प्लेटफॉर्म में लिस्ट हो सकता है, और उसमें एक बड़े प्लेटफॉर्म में जो नाम पहले आ रहे हैं वो बाइनेंस का है। ऐसा हाईली चांस बन रहा है क्रिप्टो मार्केट में कि टामा डॉच जो है बाइनेंस में लिस्ट हो सकता है। फिलहाल देखते कब तक लिस्ट होता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट क्रिप्टो कौन सा है, टामा डॉच, सीबा इनकॉइन या बेबी डॉच कॉइन। इन तीन क्रिप्टो में आपका फेवरेट क्रिप्टो कौन सा है, टामा डॉच, बेबी डॉच कॉइन, सीबा इनु। एंड यहाँ नीचे के आप प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो टामा डॉच को एल बैंक से भी बाय कर सकते हो, क्योंकि एल बैंक भी बहुत ही शानदार क्रिप्टो है, और MEXC भी, बिटमार्ट, ये सब कुछ क्रिप्टो जहाँ पे हाई लिखा हुआ है ना, आप समझ जाना कि ये क्रिप्टो बेस्ट है। हालांकि सब में आपको थोड़ा मतलब अमाउंट का डिफरेंस दिखेगा, इसमें आपको हर क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ना सेम अमाउंट नहीं दिखेगा, हर एक में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस जरूर मिलेगा। चलिए अब हम चेक करते हैं कि टामा डॉच का करंट प्राइस क्या चल रहा है। इसके लिए हम चलेंगे ओवरव्यू में, और ओवरव्यू में क्लिक करके हम टामा डॉच का करंट प्राइस चेक करेंगे। टामा डॉच का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो है $0.01547, और 24 आवर में टामा डॉच ने 17.45% का रिटर्न दिया है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करूँ तो टामा डॉच का ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.39% के साथ इंक्रीज हुआ है, और ROI की बात करूँ तो टामा डॉच का अभी ROI कुछ भी नहीं है। हम थोड़ा नीचे चलते हैं और टामा डॉच का और कुछ चेक करते हैं, जैसे कि इनके मतलब सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना भी, वो भी चेक करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूँ सर्कुलेटिंग सप्लाई की, तो फिलहाल कॉइन मार्केट कैप में सर्कुलेटिंग सप्लाई के लिए कुछ भी नहीं दिखा रहे, लेकिन अगर हम मैक्सिमम सप्लाई टोटल सप्लाई की बात करें तो टोटल सप्लाई जो है टामा डॉच को वो 1.05 बिलियन, और मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो ये 2 बिलियन। वहीं पर अगर हम बात करें कि इसका मार्केट डोमिनेंस कितना है, तो फिलहाल तो टामा डॉच का मार्केट डोमिनेंस 0.00% है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक आने वाले समय में आपको टामा डॉच का मार्केट डोमिनेंस या तो 0.01% दिख सकता है, या फिर ये 0.02% दिख सकता है। ऐसा हाईली चांस है कि आने वाले समय में आपको टामा डॉच का मार्केट डोमिनेंस जो है वो 0.02% दिखे। वहीं पर अगर हम बात करें कि टामा डॉच का होल्डर्स कितना है अभी कॉइन मार्केट कैप में, तो करेंटली जो आपको टामा डॉच का होल्डर्स दिखा रहा है कॉइन मार्केट कैप में वो दिखा रहा है 27,234, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक आने वाले समय में आपको इसका होल्डर्स 30,000 से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है। जिस प्रकार अभी टामा डॉच अपडेट मतलब क्या बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, अगर ये 30,000 से भी ज़्यादा होल्डर्स क्रॉस कर ले तो इसमें मतलब कोई हैरत की बात नहीं होगी। वैसे मेन चीज़ है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना अप जा रहा है, उससे हम बता लगा सकते हैं कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को कितना इंटरेस्ट है इस क्रिप्टो में। अभी 1.39% अप गया, ज़्यादा अप नहीं गया, लेकिन हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में टामा डॉच एक ऐसा क्रिप्टो है जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। क्योंकि मान लीजिए कि आप देखो इसका करंट प्राइस है $0.01547, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि $1 की तरफ मूव करता है, अगर टामा डॉच $1 की तरफ मूव करता है, जो कि हाईली चांस बन रहा है कि हाँ ये 2025 या 2026 के बाद या 2030 में $1 की तरफ मूव कर सकता है, तो अभी खुद सोचो कितना अच्छा खासा रिटर्न देगा। कुछ क्रिप्टो एक्सपर्ट का तो ऐसे ही मानना है कि आपको 30,000x से भी ज़्यादा का रिटर्न दे सकता है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ क्रिप्टो एक्सपर्ट का ऐसा भी मानना है कि 30,000x से ज़्यादा का रिटर्न भी टामा डॉच दे सकता है। अच्छा, मैंने एक और वीडियो बनाया था जब मैंने आपको बताया था कि टॉप 5 क्रिप्टो जो आप आने वाले समय में अपने लिए बाय जो आप आज बाय कर सकते हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख लेना। और एक छोटा सा वीडियो टामा डॉच को लेकर, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। एंड एक और चीज़ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी क्रिप्टो रिलेटेड वीडियो मिस ना कर सको। एंड यहाँ पे आप 24 आवर, 1 मंथ, 1 ईयर तक का चार्ट देख सकते हो कॉइन मार्केट कैप में। वैसे कमेंट करके बताओ कि आपने टामा डॉच क्रिप्टो तक बाय किया है कि नहीं। एंड मतलब मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ कि पिछले कुछ 7-8 दिनों से टामा डॉच जो है क्रिप्टो मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं, एंड लोग इस क्रिप्टो को पसंद भी कर रहे हैं। देखिए जो मीम कॉइन होते हैं ना, वैसे लोग पसंद करते हैं, भले वो बेबी डॉच कॉइन हो, सीबा इनू कॉइन हो, और जो कॉइन मतलब इस टाइप के कॉइन होते हैं ना उसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और 24 आवर में 17.45% का रिटर्न कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है। टामा डॉच ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है 17.45% का। मतलब अगर मान लीजिए अगर आपने इसमें $100 भी लगाए होते तो $117 से भी बेसी होते, ऐसा क्रिप्टो एक्सपर्ट का मानना है। अगर आपने इसमें $100 भी अभी लगाए होते तो ये $117 से बेसी होते। वहाँ पे आप इसका ऑल टाइम हाई लो सब चेक कर सकते हो कॉइन मार्केट कैप में आके। एक बार हम चलते हैं ट्विटर में और देख लेते हैं कि कोई और ट्वीट है कि नहीं टामा डॉच को लेके। तो फिलहाल चेक कर लेते हैं कि टामा डॉच को लेके कोई और ट्वीट है कि नहीं। ये एक पिंड ट्वीट है जो कि 4 दिन आके टामा डॉच ने किया था, जहाँ पर टामा डॉच ने कहा था कि बाय योर टामा ऑन OKX टुडे। अगर आप टामा को OKX में बाय करते हो और यू आप होल्डर बन सकते हो एक बहुत ही बेस्ट मीम कॉइन का, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि अगर टामा बाय करना है तो आप इसे OKX में जाके बाय कर सकते हो। OKX भी एक शानदार प्लेटफॉर्म है टामा डॉच बाय करने के लिए।
एंड यहाँ पे अभी मैं अगर चेक करता हूँ तो कोई